एक्सपीरियंस हम लोग एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा के लिए बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर थर्ड है अपना। मैं डॉक्टर एससी तिवारी आपके लिए ये लेक्चर थर्ड के लिए आ रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने सम्मत व्यक्ति के असफलताओं के बारे में लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट में हमने लेक्चर नंबर सेकंड में हमने पहले परमाणु के स्थायित्व के बारे में बात कर ली थी कि उसके लिए किस तरीके से क्लासिकल लेक्चर सम्मत व्यक्ति असफल सिद्ध हुई। अब सेकंड पॉइंट हम उसका कर रहे हैं परमाणु का रेखिक स्पेक्ट्रम। ये वो कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम ये बताएंगे कि इसको समझाने के लिए भी चिरसम्मत भौतिकी असफल साबित हुई। तो ये परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम, जब भी पहले तो देखिए स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रम में क्या किसी भी वस्तु के द्वारा उत्सर्जित किसी भी वस्तु के द्वारा उत्सर्जित विकिरणों को यदि प्रिज्म अथवा ग्रेटिंग से उसके कंस्टिट्यूट्स उसके भागों में तोड़ दिया जाए, भागों में विभक्त कर दिया जाए, तो यह है स्पेक्ट्रम। क्या इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इफ द लाइट इमिटेड बाय और रेडिएशन इमिटेड बाय एनी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स देन दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी और रेडिएशन। यानी जिस जितने उसमें वेवलेंथ आ रही है, जितनी उसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है, वेवलेंथ आई, उसको अलग अलग कर दिया जाए। उन सारी वेवलेंथ को अलग अलग करके हम संसूचित कर लें। वी डिटेक्ट द ईच एंड एवरी वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग रेडिएशंस देन इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो यदि हम किसी परमाणु का स्पेक्ट्रम लें, और सबसे पहले हम सपोज हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु का अगर हम स्पेक्ट्रम लें तो यह स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, यह स्पेक्ट्रम हमें स्पेक्ट्रम प्रायोगिक रूप से स्पेक्ट्रम प्रायोगिक रूप से हमें विविक्त प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रीट प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, प्रायोगिक रूप से हमें डिस्क्रीट या विविक्त प्राप्त होता है। इसकी बात कर रहे हैं प्रयोग से हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, विविक्त प्राप्त होता है। डिस्क्रीट का मतलब हो गया अलग अलग वेवलेंथ की लाइंस हमें अलग अलग दिखाई देती है, क्या वो बंच के रूप में अलग अलग वेवलेंथ की लाइन अलग अलग दिखाई देती है। ये तो हमारा क्या हो गया, प्रायोगिक रूप से प्राप्त हो गया। लेकिन सिद्धांतिक रूप से क्या होता है, सिद्धांतिक रूप से हम बात कर रहे हैं, सिद्धांतिक रूप से हम बताते हैं कि ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो आवेशित कण है, यदि ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी ऊर्जा का क्षय करे। इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमने क्या बताया था कि जब भी कोई आवेशित कण, व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट और मूव्स, इट रेडिएट्स द एनर्जी। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, त्वरित होता है, तो निरंतर अपनी ऊर्जा का क्षय करेगा, और निरंतर अपनी ऊर्जा का क्षय करेगा तो ये क्षय करता रहेगा लगातार, इसकी ऊर्जा कम होती रहेगी। और ये स्थायित्व के बारे में भी हमने बात की थी, और अब हम कह रहे हैं कि लगातार ऊर्जा का क्षय कर रहा है। लगातार ऊर्जा का क्षय करता है तो हमें
ईच एंड एवरी लैम्डा प्राप्त होनी चाहिए, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, ईच एंड एवरी सभी प्रकार का, सभी मानों की, सतत मानों की, हिंदी में इसको बोलेंगे सतत मानों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो यानी क्या हो रहा है कि सिद्धांतिक रूप से हम कह रहे हैं कि हमारे पास थ्योरी हमारी प्रेडिक्ट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का क्षय करेगा, तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का मान सतत होगा, ईच एंड एवरी वैल्यू का होगा सतत होगा, जबकि प्राय रूप से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विविध प्राप्त हो रहा है। सतत का मतलब ये हो रहा है, ईच एंड एवरी का मतलब हमें बिल्कुल ईच एंड एवरी वैल्यू हमें प्राप्त होगी। इस तरीके से दोनों चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है, प्राय रूप से हमें अलग परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, डिस्क्रीट प्राप्त हो रहे हैं, और सिद्धांतिक रूप से हम कह रहे हैं कि सतत होना चाहिए। ये जो डायलेमा है, ये जो त्रुटि उत्पन्न हुई, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा या चिरसम्मत यांत्रिकी के द्वारा या चिरसम्मत भौतिकी के द्वारा समझाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं था उस वक्त जो हमें मालूम था, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स का हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हो, चाहे न्यूटन मैकेनिक्स का हो, व्हाटएवर इट बी, किसी भी तरीके का हमारे पास जो सिद्धांत उस वक्त उपलब्ध थे उसके अनुसार ये तथ्य प्रायोगिक तथ्य की प्रूफ की व्याख्या नहीं की जा सकती। और कई सालों बाद बोहर ने इस स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, और वो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है, जिसमें बोहर की तीन अभिकल्पनाएं थी कि पहली अभिकल्पना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में जिसमें MvR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है, कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई होता है, उसमें ही चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाने के दौरान वो ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, और ऊर्जा का विकिरण तभी करते हैं जब वो उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आते हैं, तभी ऊर्जा का विकिरण करते हैं। ये बोहर ने अभी अभिकल्पनाएं दी, और बोहर ने जो अभिकल्पनाएं दी उसके हिसाब से आपने छोटी क्लासेज में ट्वेल्थ में आपने स्पेक्ट्रम निकाला, स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ निकाली, एनर्जी निकाली, जब आपके पास उन्हीं वेवलेंथ से और उसी स्पेक्ट्रम से आपने ट्वेल्थ में लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और पाश्चन श्रेणी और वो सब की कैलकुलेशंस करी, तो वो जो कैलकुलेशंस थी लाइमन बामर पाश्चन फुन की, वो सारी कैलकुलेशंस और वो सारी एनर्जी और वो सारी लैम्डा बिल्कुल प्रायोगिक तथ्यों के इसको बताती हैं, या प्रायोगिक तथ्य जो भी हमको प्राप्त होते हैं, जो जो प्रायोगिक रूप से हमें लैम्डा प्राप्त होती, वो सारी की सारी क्या हुई कि हमें बोहर ने अपने फॉर्मूले से प्राप्त करी। लेकिन जिस संबंध सिद्धांत जो हमारे पास थे उनसे उनका कुछ भी नहीं मिला, तो ये दूसरी फेलियर्स थी हमारे पास, जिसकी जिस संबंध यांत्रिकी की, जिस संबंध भौतिकी की, जो परमाणु के रेखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। फिर हम बता रहे हैं कि जिस संबंध भौतिकी ये प्रेडिक्ट करती है कि किसी भी परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि प्रायोगिक रूप से किसी भी परमाणु का स्पेक्ट्रम हमें विविध प्राप्त होता है, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका कहीं पर भी चिरसम्मत भौतिकी में हल नहीं था या व्याख्या नहीं थी। इसके लिए बोहर को कई वर्षों बाद अपनी अभिकल्पनाएं प्रस्तुत करनी पड़ी। आपको वो अभिकल्पनाएं करने की यहाँ इस सिलेबस में जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना सही बताना है कि किस तरीके से परमाणु के रेखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या चिरसम्मत यांत्रिकी के द्वारा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट लेक्चर फोर्थ में हम लोग तीसरे नंबर का जो हमने बनाया था, तीसरे नंबर का कौन सा बनाया था हमने, कृष्णिका वस्तु, ये परमाणु का स्थायित्व हम कर चुके हैं, परमाणु का रेखिक स्पेक्ट्रम कर चुके हैं, जो हमारे पास चौथा स्पेक्ट्रम, चौथा जो लेक्चर होगा उसमें हम ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या में किस प्रकार से जिस संबंध भौतिकी असफल रही वो करें। ध्यान रखिए लेक्चर नंबर फोर्थ में हम लोगों को क्या करना है, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या किस प्रकार जिस संबंध भौतिकी नहीं कर पाई वो हमें करना। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कृष्णिका वस्तु का ऊष्मीय विकिरण स्पेक्ट्रम के अध्ययन करेंगे। मैंने बताया था आपको कि कृष्णिका वस्तु ऊष्मीय विकिरण स्पेक्ट्रम, प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव, ये तीनों मेजर क्वेश्चंस हैं
जो आपके यूनिट वन में आ गए, और परमाणु का स्थायित्व, तो परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम और ठोसों की विशेषता की व्याख्या, ये जो तीनों है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके थर्ड ईयर के पेपर में। छोटे क्वेश्चन बनेंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कंसेप्चुअली हम हिस्टोरिकली हम देखना चाह रहे हैं कि जो क्वांटम यांत्रिकी की जो नींव पड़ी वो कृष्णिका वस्तु, उसमें विकिरण के लिए प्लांक ने जो थ्योरी दी उससे पड़ी। तो कृष्णिका क्वांटम मैकेनिक्स जो का जो फाउंडेशन है, जो सबसे पहले कंसेप्ट आएगा, वो हमारे को कहाँ से मिलेगा, जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, थर्मल ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करेंगे थोरोली, तब हमारे पास सबसे पहले वो कंसेप्ट आएगा। तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में।